नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मेवाड़ विश्वविद्यालय में दिनांक 19 मार्च 2024 मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा मादक पदार्थों के सेवन से हानियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन इंजीनियर ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय योजना इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर किरण त्रिपाठी ने बताया कि आयोजन के मुख्य अतिथि सुख सेवा संस्थान नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष गफ्फार खान पठान विशेष अतिथि में संस्थान के पदाधिकारी कुलदीप सिंह, आफ्ताब व रवि जैन रहे। कार्यक्रम के आरंभ में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश चंद्र दुबे व मेवाड़ विश्वविद्यालय के ब्रांड मैनेजर अमित कुमार चिचानी ने अतिथियों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पठान ने कहा कि नशे की शुरुआत शौक जिज्ञासा के कारण होती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये धीरे धीरे लत में तब्दील हो जाती है। उन्होंने बताया कि मादक द्रव्य के उपयोग से मानसिक, शारीरिक और को आर्थिक नुकसान होता है। संस्थान के पदाधिकारी कुलदीप सिंह, आफ्ताब व रवि जैन ने भी मादक पदार्थों का सेवन न करने पर जोर देते हुए कहा कि नशा करना शरीर के लिए हानिकारक है। हम सबको मिलकर इस बुराई को समाज से भगाना होगा। मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने सुख सेवा संस्थान नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं के में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिसे रोकने की जरूरत है। अभिभावकों के साथ समाज के हर व्यक्ति को जागृत होने की जरूरत है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों कृष्ण कुमार देव, रावल सिंह भाटी, अविना जयंती झा ने भी मादक पदार्थों का सेवन न करने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, जिसे उपस्थित सभी जनों ने सराहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा सभी को नशा न करने और नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय की मानविकी संकाय व समाज विज्ञान की डीन प्रोफेसर सोनिया सिंगला ने उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का आरंभ कुलगीत व समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम का संचालन सृष्टि कौशिक ने किया। इस अवसर पर नृत्य विभाग के प्राध्यापक वृषभानु नंदनी झा सहित अन्य फैकल्टी व राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक उपस्थित रहे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चिचानी की एक खास रिपोर्ट। प्रोग्राम चलाते हैं। एडिक्शन मतलब एक जड़ से तोड़ देता है। एडिक्ट को तो तोड़ेगा, लेकिन उसके साथ उसके परिवार, समाज हर प्रकार से उसको तोड़ देगा। ड्रग्स काफ़ी होते हैं, जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स कॉलेज में, स्कूल्स में आने पर मैरिजुआना, LSD, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, उनके काफ़ी एडिक्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो उनको क्रेविंग करने के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ मजा ही लेने के लिए, लेकिन वो एक डिपेंडेंसी बन जाती है। बाद में उनको चाहिए होता है किसी भी रूप से, उसके लिए वो कुछ भी करेगा, बहाने बनाएगा, झूठ बोलेगा। वो झूठ बोलते ही बोलते वो एक उसका एटीट्यूड प्रॉपर हो जाएगा, हमेशा वो झूठ ही बोलेगा। यहाँ तक स्टेज इतनी बढ़ जाती है चोरी करना, घर में करेगा, बाहर भी करेगा, घर वालों पर प्रेशर डालेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे, कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि जेल जा सकते हैं। इसका आखिरी समाधान यही है, या तो जेल चला जाएगा, या फिर पागलखाने चला जाएगा, या फिर मौत निश्चित है। आजकल के बच्चे काफ़ी देखा है मैंने, ऑब्जर्व किया है, सक्रिय एडिक्ट हो गए हैं। एडिक्ट हैं शोबर, कुछ लोग हैं शोबर हैं, कुछ ओकेशनली यूज़ करते हैं, लेकिन एडिक्ट काफ़ी रूप से बनता है, मतलब धीरे धीरे करते मतलब उसकी ज़रूरत बन जाती है। ये क्या एक एडिक्शन सामाजिक जीवन में, लोग उतार चढ़ाव का जीवन चलता है, कोई कम पैसा कमाता है, कोई ज़्यादा पैसा कमाता है, किसी के स्ट्रेस है, किसी के चिंता, किसी को गम है, किसी को खुशी है, तो धीरे धीरे आदमी एक अलग दिशा में मुड़ता जाता है, तो उसे आप एडिक्शन का नाम दे सकते हैं। आज मैं हमारे देश में बहुत सारे यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, सब इस लत में जूझ रहे हैं। कोई ड्रग्स में है, कोई स्मैक में है, कोई गांजे में है, कोई चरस में है, तो सारा ये हिंदुस्तान का एक भविष्य है। अगर ये बीमारी के एक बीमारी का भी जैसे बताया गया कि एक बीमारी के रूप में इसे देखा जा सकता है, तो हम सब यही मानते हैं कि एक हमारा चारित्रिक दोष नहीं है, एक तरह की बीमारी है, इसे एक जगह रोका जा सकता है, इसका कोई जाना हुआ इलाज नहीं है। जैसे एड्स का जहाँ तक देखा हुआ है मेरा, ये नशा स्टार्ट में सबको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। मतलब देखा जाए तो आजकल स्टूडेंट्स लाइफ है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र से ही इतना, मतलब एक हाई प्रोफाइल
ड्रग्स आ चुकी हैं जिनको डिटेक्शन भी नहीं कर पाते हैं जब तक वो बच्चा ज़्यादा हाई डिटेक्ट नहीं हो जाए, जब तक उसमें सिम्टम ज़्यादा नहीं दिख जाए। स्टार्ट में क्या होता है, टीनेजर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसको लेते तो अपने मतलब मज़े के लिए उपयोग में है कि कुछ चेंज हो जाए जैसे थोड़े चेंज, हाँ कि कुछ मज़ा आएगा इसमें, या फिर नहीं आ पाए नहीं भी आवे आजमाते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ चालू हो जाती है, फिर उस बंदे के अंदर सबसे बॉटम चीज़ होती है पैसा। किसी भी तरह के एडिक्शन को या नशे को अपने को प्रॉपर अगर आगे बढ़ाना है, यूज में लेना है, उसके असर को पूरा करना है, तो पैसे काफ़ी ज़रूरी हैं। दूसरी बात, अपना जो एक सोशल जो अपना एक फाउंडेशन होता है अपनी फैमिली के अंदर, अपनी जो वैल्यूज होती हैं वो कम होती हैं। द फैटल कंसम्पशन ऑफ द ड्रग्स एंड हाउ इट इज डिस्ट्रक्टिंग द लाइफ ऑफ यूथ इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस सिनेरियो। ड्रग्स एज वी नो इज illegal matter which some people smoke, inject, eat or drink for the mental and physical effects that it leaves. There are several youths, especially students, who consume drugs out of fun or for unexpected emotions. The people who deal in the selling of these drugs are actually creating a drug market, especially targeting the youths of the country. Initially, the drugs are sold freely to the students, and gradually when they get used to it, they started to buy and consume it regularly basis. It is observed that the students start consuming drugs out of stress, anxiety given by their parents or society or teachers, knowingly or unknowingly. Due to this lack of emotional support and the disorder in their families helps them or pressurize them to put more, increase their independence on the drugs, which made them to regular use of this unknowingly or knowingly. Drug. Concern that affects not only individuals but entire community and society. The pervasive issue of drug consumption. As we gather here, it's imperative to recognize the gravity on this matter and the urgent need for heightened awareness. Drug consumption, whether it is recreational or habitual, exerts a heavy toll on individual, family and society at large. First and foremost, let us acknowledge the toll drug taken on the human body. Substance abuse wreaks havoc on physical and a physical health, leading to a myriad of elements ranging from respiratory issues to cardiovascular complications. Moreover, the use of illicit substances often leads to risky behavior, exposing individuals to infection like HIV, AIDS and hepatitis. The toll on one's physical health cannot be overstated, or drug consumption not only degrades the body but also shortens lives. Substance abuse is frequently accompanied by mental health disorders and conditions such as anxiety, depression and psychosis. The cyclical nature of addiction traps individuals in a vicious cycle of substance use and mental anguish, robbing them of their peace of mind and stability. In light of these sobering realities, it is incumbent upon us to take actions to combat drug consumption. Education and awareness are our most potent weapons in this fight. By fostering a culture of awareness, we empower individuals to make informed choices and resist the attraction of substance abuse. दबाव और उनका दुरुपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसमें ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्रीय कार्यालय UNODC की रिपोर्ट की है कि 2010 में दुनिया में लगभग 5% आबादी ने अवैध दवा का इस्तेमाल किया था और 27 मिलियन लोगों को समस्याग्रस्त दबाव उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शराब के दुरुपयोग के कारण प्रति वर्ष 2.5 मिलियन मौतें होती हैं। 2010 की रिपोर्ट बच्चों और किशोरों में नशीली दवाओं के उपयोग को रोकना में NIDA ने कई कारकों को सूचीबद्ध किया है जो किशोरों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग शुरू करने या जारी रखने के जोखिम को बढ़ा या कम कर सकते हैं। अध्ययन में विशेष रूप से ACE की संख्या की तुलना की गई जिसके परिणाम स्वरूप 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे नशीली पदार्थों और इनके उपयोग की शुरुआत करने की उनकी संभावना सबसे अधिक होती है।
भारत में नशीली दवाओं की लत कई कारण है जैसे कि सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, स्ट्रेस, सहकर्मी दबाव और अन्य मनोवैज्ञानिक कारक। इन्हीं दवाइयों का प्रभाव देश की आर्थिक क्षमता पर भी पड़ता है। नशीली दवाओं से निर्भरता, आत्मसम्मान में कमी, निराशा आदि के कारण आपराधिक कृत्य और उसमें भी आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को भी वृद्धि मिलती है। शब्द रखने वाले ने भी कितना सोच समझ कर रखा होगा। मैं आपको बताऊं कि शराब के भी कई नाम हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो मंदिरा हो, चाहे वो वाइन हो। मैं शब्द का अर्थ बताता हूं। शराब स का अर्थ शत प्रतिशत, रा का अर्थ राक्षसों जैसा और ब का अर्थ बना देने वाला। मतलब शत प्रतिशत राक्षसों जैसे बना देने वाला ही शराब है। अगर आप राक्षसों जैसे हो मतलब आप शराब के आदमी। मंदिरा मरगट दिखाने वाला रास्ता, और दारू दाव पर रू लगा दो, पूरा शरीर को दाव पर लगा दो। विषय के संबंध में जो सुख सेवा संस्थान के पदाधिकारी आए हैं, मैं पिछले 4-5 सालों से उनके दर्ज में हूँ और इनके मीडिया का काम भी देख रहा हूँ। इनके यहाँ जो मैंने कई बार सीन देखे हैं कि कई युवा, कई बच्चे जो कम उम्र में नशे की लत में लग जाते हैं और उनको छुड़ाने के लिए पूरा हर तरह से प्रयास करते हैं। ये संस्था पिछले 8-10 सालों से इसी काम में लगी हुई है और विभिन्न तरह की एक्टिविटीज होती है जिसके माध्यम से कि मतलब वह अपने इस लत से बाहर आ जाए। तो वहाँ की दिनचर्या में ऐसा नहीं कि कोई दवाई वगैरह की देता है, उसके अलावा वहाँ की दिनचर्या में जैसे योग हुआ, मेडिटेशन हुआ, तरह तरह के विशेषज्ञ आते हैं, उनको जानकारी देते हैं। कई तरह की ऐसी गतिविधियां होती है जिससे उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, मेडिटेशन की एक्टिविटी हुई, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी आते हैं और उनको पूरी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। और वहाँ पर जो इस तरह की सुविधा मिलती है, एक तरह से घर का वातावरण मिलता है, वह एक तरह से पूरा केंद्रित हो जाता है कि नहीं मुझे नशा छोड़ना है। और मतलब अभी भी मैं देखता हूँ कि लगभग 40-50-60 जो युवा वर्ग ही होता है जिसका मिल जाता है, और उनके परिवार की स्थिति हम देख सकते हैं बाहर जब वो ऑफिस में आते हैं और उनसे चर्चा होती है कि उनकी स्थिति कैसी होती है। उनका एक तो सामाजिक स्तर भी गिर जाता है, बच्चा नशे की लत में होता है, किसी काम का नहीं रहता, अगर शादीशुदा है तो झगड़े वगैरह की फसाद की जड़ बन जाता है, मकान के मकान बिक जाते हैं, मतलब हर तरह से वो एक छोटा सा नशा एक लत बन के पूरी जीवन लीला को पूरी एक तरह से पूरे परिवार समाज की खत्म कर देता है। अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं, वाहन रैली होती है, पोस्टर की प्रतियोगिता वगैरह भी कराते हैं, और संस्थान द्वारा बीच में एक ड्रग एडिक्ट्स पे शॉर्ट मूवी भी बनाई थी, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो संस्थान द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे मैं वाकिफ हूँ, और इनके जो समाचार वगैरह होती है, इनकी गतिविधियाँ होती है, समय समय पर प्रकाशित करते हैं, और जो आर्टिकल होते हैं नशे से अवेयरनेस के संबंध में वह भी मैगजीन और अखबार में दिए जाते हैं। तब उसका यूज करें, हम लोग भी रखते हैं। मैं बहुत ही लिमिटेड देखता हूँ, ये पूरी यूनिवर्सिटी में सबको पता है। रात को 9:30 बाद लेटूंगा, उस समय थोड़ा व्हाट्सएप चला के यूनिवर्सिटी के मैसेज वगैरह होते हैं वो देखता हूँ, तो सबको मालूम है इस चीज़। मैं नहीं देखता हूँ, बहुत कमी देखता हूँ, इसलिए इससे क्या है, मैंने देखा कुछ लोगों को कि एक तो माइंड उनका डाइवर्ट होता है। वो बच्चा मैंने देखा, एक फैमिलियाँ बताऊँ आपको, 5 लोग फैमिली में घर गए, शाम को ऑफिस से मुँह हाथ धोया, चाय बन के आ गई, चाय वगैरह पी रहे, 4 लोग बैठे, 4 अपने मोबाइल पे बिजी हैं, कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे को जान नहीं रहा। अरे पूरा दिन अलग रह के आए, कम से कम साथ बैठे हो तो साथ में पारिवारिक बात करो, हंसो बोलो, यही इसलिए किया जाता है ना। वो चीज़ है कि थोड़ा सा जो है इस बात पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि इस चीज से आईसाइट पे असर पड़ता है, उसके माइंड पे असर पड़ता है, और धीरे धीरे उसके शरीर पे भी असर पड़ता है। इस इल इफेक्ट को बड़ा हमें रोकने में हेल्प करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगी गफर पठान सर को, जो आए और जिन्होंने हमें शपथ ग्रहण करवाया, कुलदीप सिंह सर को, आफ्ताब सर को, और रवि जैन सर को।
सबका बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया कि ये बहुत एक बहुत इजी गोइंग है, बहुत चलाक बीमारी है जो पकड़ बहुत जल्दी लेती है और छोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और वही है जब हम मन को समझा नहीं पाते, कोई गम है या कोई दुख है। बहुत सारे बच्चे हैं, जयंती, अवीना, रावल सिंह और कृष्णा, जिन्होंने बहुत अच्छा डाटा किया है, क्योंकि हमारे देश का वही है कि अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूथ है। तो बाहर की एजेंसीज भी यही चाह रही हैं कि अगर इंडिया को पीछे रखना है तो उसका एक ही तरीका है कि जो यूथ को है उसको ड्रग्स की लत लगा दो। जैसे अजय सर ने कहा था कि बहुत इजी है, बीमारी तो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन ये जाती नहीं है। घर के घर खराब हो जाते हैं, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, और मैं तो ये मानती हूँ हमारा आने वाला पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारे वॉलंटियर्स की ड्यूटी बनती है कि जैसे आज हमने शपथ में लिया है कि ना हम करेंगे, ना हम अपने आसपास किसी को करने देंगे। इसी के साथ मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप आए और आपने हमें कीमती समय दिया और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं अमित चिचानी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, NSS जो कमांड है हमारी, उनकी जो कोऑर्डिनेटर है किरण त्रिपाठी मैम, MC दुबे सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो हमारे यहाँ ऑडियंस, हमारे बच्चे, सभी को तहे दिल से शुक्रिया अपने इस कीमती समय को और एक बहुत अच्छी नॉलेज लेने के लिए। इसी के साथ थैंक यू।